सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेडी और आज इस वीडियो में जो हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टीपी लिंक का आर्चर C6 करके एक राउटर है, तो इसके हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इसके पहले एक आर्चर C6 का ही राउटर था, लेकिन वो थोड़ा सा जो है इसका डिज़ाइन अलग था, उसका अनबॉक्सिंग किया हुआ है। अगर आपको चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो अभी फटाफट से अनबॉक्स कर लेता हूँ, चेकआउट करेंगे कि क्या क्या इसमें हमको मिलता है और क्या इसकी कैसे स्पीड रहेगी। स्पीड टेस्ट भी बताने वाला हूं आप लोगों को, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा कि दूर जाने के बाद जो इसकी स्पीड कैसी चलती है। तो गाइस यहाँ पे 867 MBPS 5 GHz के ऊपर भी चलता है, 300 MBPS 2.4 GHz पर चलता है। एडवांस सिक्योरिटी VAP3 आपको मिलते हैं, सपोर्ट स्मार्ट रोमिंग वो भी है सब कुछ। तो यहाँ पे जो मैंने वर्जन लिया है वो म्यू मीमो करके एक वर्जन लिया है। यहाँ पे आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। पीछे के साइड की अगर बात करो तो गाइज यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें लिखी है कि कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, तो थिएटर करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वो अगर आप लोग करोगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब जो है आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हो, वरना किसी को कितनी रेंज देनी है वो सारा आप कुछ चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे बैक की। तो बैक में मैं म्यू मीमो करके जो मैंने वर्जन लिया है वो क्यों लिया है वो आपको लोगों को बताते। तो म्यू मीमो करके एक टेक्नोलॉजी है जो कि टाइम रिड्यूस करता है कनेक्शन करते वक्त, वाईफाई का कनेक्शन करते वक्त, और सारी चीज़ें आपकी एक साथ एक ही टाइम पर कनेक्ट हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा फ़ोन में बाद में कनेक्ट कर रहा हूँ, वरना लैपटॉप पहले कनेक्ट हो जाता है, तो ऐसा वेटिंग टाइम जो है वो यहाँ पे कम कर देता है। अगर आपको उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल करके भी ज़रूर से देख सकते हो। अभी हम लोग फटाफट से जो अनबॉक्सिंग कर लेंगे। तो वैसे यहाँ पर आपको जो है मिलता है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, तो इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। और उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे आपको जो है केबल मिलती है जो कि आपकी लैन केबल है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो मैं इसको मैं कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा। उसके बाद मेरे को एक एडाप्टर भी मिलता है जो कि 12 वोल्ट का एडाप्टर है, और ये जो है मतलब आपका नॉर्मल बेसिक एडाप्टर है, आपने गेम वेम सारे खेले होंगे तो उसमें कैसे एडाप्टर मिलता है जूने वाले गेम पैड में, वैसे आपको यहाँ पर एडाप्टर मिलता है। अभी बात करेंगे गाइस कि इसके डिज़ाइन कैसी, तो डिज़ाइन बहुत ही ऑसम है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने। डिज़ाइन दिखने में बहुत अच्छा है, मतलब आप कहीं भी अगर आपको वॉल पे लगाने तो लगा सकते हो। 4 एंटीना के साथ मिलता है, तो मैं गाइस ज़्यादा इसमें जो है डीप जाने की कोशिश नहीं करूँगा। अभी आपको डायरेक्टली जो है स्पीड टेस्ट के ऊपर लेके जाता हूँ कि स्पीड टेस्ट इसकी जो है कैसी, क्योंकि वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं जो है एंटीना को घुमा रहा हूँ, और यहाँ पे गाइस जैसे कि आप लोग सिंपली देख सकते हो, गाइस यहाँ पे आप लोग सिंपली देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ बटन मिलता है, उसके साथ साथ पावर आपको डालने के लिए मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको जो है वैन मिलती है और 4 LAN की पोर्ट्स मिलते हैं जो कि आप लोग सिंपली स्क्रीन पर देख सकते हो। सामने के साइड आपको जो है जो भी LEDs आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको मिलेगी कि वाईफाई चालू है बंद है, सारी चीज़ यहाँ पे आपको जो है नोटिफाई कर देगा। ओके, सो डिज़ाइन के बारे में तो बहुत बोल लिया, अभी हम लोग जो है चेकआउट करते कि क्या इसकी कैसी स्पीड रहेगी और सारी चीज़ें आप लोगों को जो है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस यहाँ पे सिंपली आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो एक स्पीड टेस्ट वाला चालू कर दिया हूँ, और मैं एकदम राउटर के नीचे ही खड़ा हूँ, और यहाँ पे मेरा जो प्लान है वो 5 MBPS का है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे को जो है छोटा मोटा और नॉर्मल वर्क करना पड़ता है, उसके लिए मैंने 5 MBPS फिलहाल के लिए करके लिया है। बट यहाँ पे आप कितना भी जो है MBPS आपके सपोर्ट कर लेगा। अभी मैं जो है जैसे आप लोग ने देखा कि मैं जब भी घर में था तभी जो है फटाफट ज़्यादा रेंज आ रही थी, बट यहाँ पे अभी मैं 20 फीट की दूरी में हूँ घर से, और अभी हम लोग वापस उसको टेस्ट करते हैं। कभी कभी मैं पबजी खेलने के लिए बाहर भी बैठ जाता हूँ घर के, तो तब भी हम लोग को पिंग कैसे मिलते, तो तभी भी हमको पिंग जो है 4 वरना 5 ऐसी आपको पिंग मिलती है MBPS की, मतलब जो भी आपका स्पीड है उसके हिसाब से आपको स्पीड मिलती है। तो गाइस ये एक ऑसम चीज़ है, और बाकी सारे राउटर्स में भी मैंने देखा है कि कुछ कुछ राउटर में आपको वाईफाई के नीचे, राउटर के नीचे अगर आप खड़े रहोगे तब भी आपको स्पीड मिलती है, जब भी आप थोड़ा दूर जाओगे बीच में थोड़े से हर्डल्स आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है रेंज कम मिल जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 MBPS का स्पीड आपको मिल रहा है, वरना 0.5 MBPS का स्पीड मिल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है अनटिल अनलेस अगर आपका जो है नेटवर्क प्रोवाइडर ने उसको कम किया है, वरना ऐसा कुछ सीन है, तब तक आपको जो है ठीक ठाक यहाँ पे स्पीड मिलती रहेगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगता है तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस राउटर के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।